हमारे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, उसके बाद भी कई जो है उसके साइड इफेक्ट हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं। उसमें गले में खराश है, प्राय जुकाम रहना है, किसी किसी को तो इससे भी कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट में जो है बिल्कुल खिंचाव होने महसूस होना शुरू हो जाता है, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से संबंधित और भी सारी बीमारियां तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो इन सब से मुक्त होने के लिए, और प्रायः जैसे सिर दर्द रहना, आपके जो है भारीपन रहना, खांसी जुकाम, ये बाद में भी देखने को मिलता है कोविड 19 जो है नेगेटिव होने के बावजूद भी। तो इन सब से मुक्त होने के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम साधन है प्राकृतिक योग चिकित्सा का प्रयोग। और कोविड 19 से फ्री होने के बाद भी हमारा जो विशेष रूप से काढ़ा है वो काढ़ा बहुत उपयोगी होता है। और इसके अतिरिक्त जो है जल नीति क्रिया बराबर करें ताकि हमारा ईयर पैसेज बिल्कुल मुक्त रहे। एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, जो कोविड 19 के रोगियों से जुड़े हुए हैं, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के जो है इंचार्ज हैं, और बहुत से उनके मित्र जो है कोविड 19 से जो है ग्रस्त हुए, डॉक्टर भी ग्रस्त हुए, लेकिन वो ग्रस्त नहीं हुए क्योंकि वो बराबर जल नीति क्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने कई बार बताया है कि भाई सरसों का तेल नाक में रख डाल करके और खूब अच्छी तरह से खूब खींचे, जैसे ये लिया सरसों का तेल इस हथेली पर और इसे नाक में डाला और खूब जोर से खींचे, फिर दूसरा लिया हथेली पर लिया और फिर जो है नाक में डाला जोर से खींचे, तो इससे हमारा नाक का पैसेज, क्योंकि प्रायः वायरस जो है हमारे नाक से ही अंदर प्रवेश करता है और जितने भी ईयर पैसेज के जो ऑर्गन्स हैं उन सबको दुष्प्रभावित करता है, चाहे वो ट्रेकिया हो, चाहे अल्वोलाय हो, चाहे ब्रोंकस हो, चाहे ब्रोंकियोल्स हो, तो ये सारे प्रभावित होते हैं लंग्स के जितने भी अंग हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये बराबर जो हम इसका प्रयोग करें। और कुछ चीजों का, जैसे आपके जो है ये गिलोय घन बटी, गिलोय वैसे प्रयोग करें, गिलोय का काढ़ा तो बहुत उपयोगी होता है। और इसके अतिरिक्त जो है आपके अश्वगंधा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो हमारे कोविड 19 के विषाणुओं से, वायरस से, उसे जो है जो मूल हमारा लंग्स का रिसेप्टर्स है उसको जो है जुड़ने में यानी बाधा डालते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, जिससे हमारा फेफड़ा बिल्कुल जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए कि दो तीन चीजें जिस पर कुछ प्रयोग हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, तो उन सब का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो हमारे यहाँ का संस्थान का जो कोरोनिल है उसका प्रयोग करें, काढ़ा बराबर पीते रहें। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ चीजें, योगिक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, उसमें प्राणायाम है, प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम के साथ साथ हमने एक एक्सरसाइज बताया था कि खूब गहरा सांस लेते हुए पीछे जाना और श्वास छोड़ते हुए ऐसे करना, ये पूरा यानी इतना इसको दबाएं ताकि जो ना जो हमारा रेसिडुअल लेयर्स है, जो हमारे जो है लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, जो हमारे जो है समूचा सांस बाहर निकल जाए, और फिर इसे खूब अच्छी तरह से सांस लेते हुए और सांस निकालते हुए मुंह को कौवे की चोंच की भांति मुंह बनाते हुए सांस निकालना है, जो सीटी बजाते हैं, ये एक्सरसाइज करने से हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी प्रायः 45 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और यदि हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो 45 से भी ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। और जितना लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी हमारे शरीर के फेफड़े के अंदर जो रेसिड्यूअल लेयर है, कम्प्लीमेंटल लेयर है, सप्लीमेंटल लेयर है, टाइडल लेयर है, इन सबको मिला करके बनता है। और
इससे हमारी लंग्स की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे जो खास करके SpO2 यानी जो ऑक्सीजन का विशेष जो है ये धारण करने की क्षमता है हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा, वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता, हमने देखा कि जिसका 94 था, 93 था, इस प्रयोग के बाद 95-97 तक चला जाता है, किसी किसी का 98 तक चला जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अद्भुत है SpO2 बढ़ाने का। तो ये एक्सरसाइज करें जिससे हमारे पूरे शरीर में, क्योंकि इसमें कार्डियोवास्कुलर जो है, विशेष रूप से कार्डियोवास्कुलर जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उससे भी राहत मिलेगी, लंग्स से राहत मिलेगी, गले संबंधी रोग में भी ये काफी उपयोगी है। अच्छा, गले के लिए, क्योंकि गले संबंधी भी लक्षण दिखते हैं आपका ये कोविड और कोविड के समय भी, तो उसमें थोड़ा सा मेथी, दाना मेथी उबालिए पानी में, और उसमें थोड़ा नमक मिलाइए, थोड़ा हल्दी मिलाइए, थोड़ा दो चार आपके लहसुन के कूट करके उसका रस मिला दीजिए, और उससे जो है ना गरारा करें मुंह में लेकर के, खूब अच्छी तरह से आ करते हुए, और फिर उसको फेंक दें, और यदि अंदर भी चला जाता है तो कोई हानि नहीं होगी, बल्कि वो फायदा ही करेगा। अच्छा, उसमें अमरूद का पत्ता भी मिला सकते हैं। तो ये सारा ऐसा एक एंटीवायरल अल्कलॉइड का निर्माण होता है इससे, जिससे जो है हमारे गले के पैसेज हैं, गले की जो है ना तकलीफें हैं, वो भी उससे उसमें काफी आराम मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हम साइड इफेक्ट कोविड के, और जब होता है उस समय जो इफेक्ट होता है उसे काफी कुछ हम कम कर सकते हैं। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है, और ये कहीं भी किया जा सकता है। और दीर्घ यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बैठे बैठे करें खूब। इसके साथ में हम कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए मन को उसमें विजुलाइजेशन थेरेपी भी करें, ताकि क्योंकि आज COVID-19 के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, एंजाइटी से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उस एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए ये प्रयोग जो मैं यहाँ भी रोगियों को बताता हूँ, हजारों लाखों लोगों तक ये संदेश पहुंचाया है टीवी के द्वारा कि भाई इस प्रयोग को करें तो काफी आपके दिल को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, अमन चैन सब कुछ इससे आपको प्राप्त होगा। और वो प्रयोग बहुत सीधा सरल है कि जब सांस लें, गहरा सांस लें, उसके साथ राम जोड़ दें, सांस जब बाहर निकालें उसके साथ आराम, आराम जोड़ दें, राम के साथ आप ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी जोड़ दें, जैसे सांस आपने लिया और सांस के साथ नीली रोशनी के रूप में राम आपके अंदर प्रवेश कर गया और सारा अंतरतम राम की रोशनी से रोशन हो गया। और जब सांस बाहर निकालें उसके साथ ब्लैक स्मोक विजुलाइज करें, और ब्लैक स्मोक के रूप में आपके मन के जितने भी टॉक्सिक थॉट्स हैं, एंगर है, प्राइड है, जेलस है, फियर्स है, फ्रस्ट्रेशन है, हेट्रेड है, एनवाय है, वायलेंस है, ये सारे के सारे यानी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे बाहर निकल गए, और शरीर को बहुत ही आराम महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बोध के साथ इस प्रयोग को करें। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है, आराम यानी राम आजा, जन्मों जन्मों की हृदय की प्यास है कि राम, क्योंकि राम को आए बिना आराम कहाँ, चैन कहाँ, शांति कहाँ। तो हम जैसे ही सांस लेते हैं उसके साथ राम दिल से पुकारते हैं, जोर दें, उसको बोलना नहीं है, मात्र अनुभव करना है, विजुलाइज करना है, और आंतरिक अजपा यानी ये जाप करनी है, यानी बिना बोले हुए मौन रहते हुए सांस अंदर गया राम, सांस बाहर निकला आराम, और जैसे ही आराम, राम आ, और राम को हमने पुकारा, राम हमारे अंदर प्रवेश कर गया नीली रोशनी के रूप में, सौभाग्य, शांति, सुख, सौंदर्य, सभी सकुन ये सब लेकर के हमारा अंदर अंतरतम अंग अंग उस राम की रोशनी से
शांत रोशन हो गया बिल्कुल महसूस करें, तो इससे दो लाभ होगा, इससे आपके डीप ब्रीदिंग साइज भी होगी और ध्यान में भी, यानी आपका मन भी शांत होगा, मन भी बिल्कुल अच्छी तरह से शांत होगा। इस प्रयोग करें तो बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है, लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाया है और लोगों ने लाभ उठाया है, क्योंकि कई बार हमने टीवी कार्यक्रम में इस संदेश को दिया है कि राम आराम का जो है ये प्रयोग अवश्य करें और उसका देखें कितना सुंदर प्रभाव होता है। और ये कभी भी किया जा सकता है, सोते हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, रात्रि को सोते हुए करें तो मन शांत होकर के बहुत अच्छी नींद में चला जाता है। और कम से कम हम कहते हैं कि 108 की माला होती है तो 108 बार इस प्रयोग को अवश्य करें और देखें कि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, मन की डिफेंस मैकेनिज्म, शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे इम्यून सिस्टम हमारा जो है कितना शानदार ढंग से बढ़ता है, इसका प्रभाव हमारे इम्यूनिटी पर, डिफेंस मैकेनिज्म पर भी होता है। इस प्रयोग को करने से मन भी शांत होगा, तन भी स्वस्थ होगा और हृदय भी, फेफड़ा भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम भी, यानी सारा सिस्टम हमारा बहुत ही शानदार ढंग से काम करता है। तो राम आराम, ये राम आराम का प्रयोग बहुत ही अद्वितीय है और इस प्रयोग को करें और देखें कि कितना आपको लाभ मिलता है। तो ध्यान का ये प्रयोग, ये जो आज का डिप्रेशन है, एंजाइटी की स्थिति है, उससे मुक्त होने का बहुत सुंदर प्रयोग है। जब भी मौका मिले इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और ये ऐसा प्रयोग है किसी कानों कान पता भी नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हैं आप। राम आराम, अब ये जब एक्सरसाइज करें उसके साथ भी राम आराम करें, जैसे ये सांस लिया अच्छी तरह से राम आराम, ये सांस लेते हुए राम, सांस निकालते हुए आराम, और रिलैक्स हो रहा है जैसे ये रिलैक्स हो रहा है, ये प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं।